राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको यूपी के कानपुर शहर में भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक वामन अवतार का दुर्लभ मंदिर घनी आबादी हटिया में आज भी स्थित है। ये मंदिर आस्था का केंद्र है। हटिया बर्तन बाजार में स्थित मंदिर कब और किसने बनवाया, इसके प्रामाणिक तथ्य तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि शहर के कारोबारी आनंद प्रसाद गर्ग ने 1940 में एक पुराना मकान खरीदा। मकान में वामन देव का मंदिर पाकर उस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया और विधि विधान से पूजन किया जाने लगा। मंदिर में वामन अवतार की श्याम वर्ण प्रतिमा के साथ बलदाव और रेती की मूर्तियां भी हैं। तो चलिए, आज हम आपको वामन द्वादशी के दिन वामन मंदिर पर ले चलते हैं और उसकी रास्ता भी आपको बताएंगे, आप कहां कहां से जा सकते हैं। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको वामन जी के दर्शन कराने के लिए ले चल रही हूं। आप वामन जी के मंदिर ब्राह्ना रोड से, मेस्टन रोड से और मूलगंज बासाई नाका से पास पड़ता है, तो आप कहीं से भी आ सकते हैं। तो ये बहुत ही घनी आबादी में है और ये जनरलगंज के पास है। मैं जनरलगंज से ही जा रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ, ये जनरलगंज का रोड है। बहुत ही यहाँ पर जाम वगैरह रहता है। तो ये अब हम आ गए हैं रंग वाली गली के मंदिर में। ये आप रंग वाली गली से ही अंदर जाएं या बर्तन बाजार से अंदर जाएं, जहाँ से आप आएँ तो आप किसी से पूछ लें और अंदर आराम से पहुँच सकते हैं। ये सारी भीड़ मंदिर के लिए ही जा रही है और ये रंग वाली गली बोली जाती है, बिल्कुल उसके नज़दीक है। और आज वामन द्वादशी है इसलिए मैं वहाँ जा रही। देखिए कैसे भंडारा हो रहा है वामन द्वादशी को, यहाँ बिल्कुल मेला जैसा लगता है। सब जगह जगह भट्टियाँ से लग रही हैं, पूड़ियाँ सब्जी बन रही है, भंडारा है और बहुत ही रस है, बहुत ही अच्छा लगता है। आप एक बार वामन जी के दर्शन करने ज़रूर से आइए। और कानपुर में, पूरे कानपुर में कोई दूसरा वामन जी का मंदिर है, यहाँ पर दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। ये देखिए सब लोग खड़े खड़े प्रसाद खा रहे हैं और ये हम बिल्कुल मंदिर के पास पहुँच गए हैं। यहाँ मंदिर में लाइन से ही अंदर जाना पड़ता है और लाइन से ही निकलना पड़ता है। बहुत ही अच्छा मंदिर, बहुत ही अच्छा भंडारा वगैरह होता है। ये देखिए मैं भी लाइन में आकर चल रही हूँ और आपको बहुत ही जल्दी, बहुत ही शीघ्र वामन जी के दर्शन कराऊंगी। तो दोस्तों ये देखिए कैसी, कितनी भीड़ है यहाँ पर, काफ़ी लंबी लाइन लगी रहती है और बिना प्रसाद के तो यहाँ किसी को जाने ही नहीं देते हैं। जब लौटने वाली लाइन है वो आपको प्रसाद लेते हुए जाना पड़ेगा, आपको दूसरी कोई रास्ता नहीं। बहुत पतली सकरी गली में है। ये देखिए शंकर जी का मंदिर आ गया है, बिल्कुल वामन जी के मंदिर के बगल में, बिल्कुल शंकर जी का मंदिर। कितना अद्भुत श्रृंगार है यहाँ का और बहुत ही अच्छा। ये देखिए यहाँ कुर्सियाँ भी पड़ी हैं, बहुत से लोग बैठे भी रहते हैं जो। अब ये है मंदिर, मंदिर में देखिए कितनी भीड़ है, लाइन में खड़े हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको अच्छे से दर्शन कराऊँगी वामन जी के। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और वामन जी के दर्शन कीजिएगा। और चलिए मैं वामन जी के आपको दर्शन कराती हूँ, भीड़ से अलग हटकर थोड़ा सा निकल के हमने आपको देखिए दर्शन करा रही हूँ। तो ये देखिए वामन जी के बहुत दूर से दर्शन हो रहे हैं, पास से मैं भी अभी जाकर आपको दर्शन कराऊंगी। और बहुत ही अच्छा मंदिर सजा हुआ है, लेकिन वो बिल्डिंग वही पुरानी है जो गर्ग जी ने खरीदी थी, वही बिल्डिंग है ये। और बस खाली मंदिर का ही अच्छा सा बनवा दिया है उन्होंने। ये देखिए वामन जी के पास से दर्शन, कितने सुंदर भगवान लग रहे हैं। और जल्दी से जयकारा लगाइए, वामन जी की जय हो। कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा वीडियो कैसी लगी, और तो लाइक करके मुझे बताइएगा और कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो आपको अच्छे से दर्शन हो रहे हैं या कि नहीं, ज़रूर से कमेंट में लिखिए। चलिए अब अगली वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे।